बोल हेलो नमस्कार मेरा दगड़ियों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो जो है वो किस पे बेस्ड होने वाला है। जी हाँ, फाइनली पांडवाज ने अपनी टाइम मशीन सीरीज का फोर्थ पार्ट निकाल दिया है। इसका नाम है यकुलास। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, ये एप्रिसिएशन वीडियो होने वाला है। क्योंकि पांडवास का काम हम पहले भी देख चुके हैं और हमें पता है कि किस तरह का वो काम करते हैं, तो उनके काम को जज करने का। तो बात करें टाइम मशीन सीरीज की, तो ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें से सेकंड पार्ट आपने देखा होगा। फुलारी गाना आपने डेफिनेटली सुना होगा। फुलारी गाना जो है फूल देई के ऊपर बनाया गया था और ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, नेशनली और इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और काफ़ी न्यूज़ चैनल ने इस गाने को अपने न्यूज़ चैनल में दिखाया था, प्रमोट किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली आप YouTube में पांडवा सर्च कर सकते हो और उनकी प्लेलिस्ट में आपको टाइम मशीन सीरीज का पूरे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली इस शॉर्ट मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल डोभाल ने और म्यूजिक दिया है ईशान डोभाल ने। अगर बात करें कहानी की, तो ये कहानी है एक बूढ़े इंसान की, एक बूढ़ा जी की, जो कि गाँव में रहते हैं, अकेले रहते हैं, और उनके एक रोज़मर्रा की जीवन की कहानी है। और मैं इसको शॉर्ट फिल्म नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसको एक जर्नी का नाम दूंगा जो कि हर उस इंसान की है जिसने गांव में अपना पूरा जीवन निकाला है, पूरा जीवन बिताया है, चाहे वो हमारे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, हमारे माँ बाप हो, ये हर उस एक इंसान की कहानी है। और ऑफकोर्स मैं यहाँ पर स्टोरी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि आपको सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। मूवी की शुरुआत के कुछ मिनट आपको ना समझ में नहीं आएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आई थी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, सब चीज़ें सिंक होने लगेंगी आपस में। अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है गोप्रो का। जो लोग गोप्रो के बारे में नहीं जानते हैं, बेसिकली ये एक छोटा सा कैमरा होता है, इसको आप कहीं पर भी माउंट कर सकते हो, अपने फोरहेड पर माउंट कर सकते हो, अपने चेस्ट पर आप माउंट कर सकते हो, किसी भी व्हीकल में आप माउंट कर सकते हो। आपने बहुत सारी बाइकिंग वीडियोस आपने देखी होगी जहाँ पे हेलमेट में गोप्रो लगा दिया जाता है और उसकी फुटेज जो है वो आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो यहाँ पे भी गोप्रो का यूज़ हुआ है। आप देखेंगे तो हर सीन इसमें 2 बार शूट किया गया है, एक गोप्रो के साथ और एक विदाउट गोप्रो। तो गोप्रो का सही इस्तेमाल कैसे होता है ये कुणाल डोभाल ने बहुत ही बखूबी दिखाया है। इस मूवी में जितने भी सीन हैं जो गोप्रो के थ्रू लिए गए हैं वो हर गाँव का इंसान इसको रिलेट कर पाएगा। और अच्छे एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो साइलेंस है, जो गांव में एक साइलेंस होती है, एक छोटी छोटी चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, आप कुंडी बंद करते हो उसकी आवाज़ होती है, कोई कुत्ता भौंकता है, आप कोई सामान उठाते हो, आप कोई जैकेट पहनते हो, गाँव की जो साइलेंस होती है वो आपको इसमें देखने को, सुनने को ज़रूर मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं और उनका साउंड जो होता है वो आपको बिल्कुल कनेक्ट करके रखेगा, और सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो साउंड है वो बहुत रियल है और आपको डेफिनेटली ये गांव की याद ज़रूर दिलाएगा। बात करें म्यूज़िक की, तो क्या कमाल का म्यूज़िक है। म्यूज़िक की हर टाइमिंग जो है परफेक्ट है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ही सूदिंग है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर चीज़ में आपको वो सूदिंग लगता है। लास्ट में इस शॉर्ट मूवी में एक गाना है जो कि एक रैप है और फोक म्यूज़िक का मिक्सचर है, तो आपने ऐसा मिक्सचर पहले कभी नहीं देखा होगा। और मेरे हिसाब से म्यूज़िक में कोई कमी नहीं है, ईशान डोभाल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और लास्ट में आते आते एक टाइम के लिए आप एकदम से सुन हो जाओगे कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, अब बॉर्डर जी क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। लेकिन कहानी का जो अंत है वो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा है। तो मेरी तरफ से ये जो शॉर्ट मूवी है वो डेफिनेटली काफ़ी अवार्ड जीतने वाली है, और जो एक लेवल सेट किया है पांडवाज ने इस शॉर्ट मूवी को बना के वो अलग ही लेवल का है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसमें गोप्रो का इस तरह से यूज़ होगा, इस तरह से इस्तेमाल होगा। छोटी छोटी चीज़ें, साउंड की मैं बात करूँ, या कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि आपके दिमाग में छप जाएंगे और आप उसको जहन से अपने निकाल नहीं पाओगे। कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि अरे यार अच्छा ये ऐसे क्यों किया, लेकिन वो आगे जाके सिंक होते हैं, तो वो उसके लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक एप्रिसिएशन वीडियो है। जिस तरह का काम पांडवास ने किया है और जिस तरह का काम पांडवास ने किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बधाइयाँ उनको देना चाहूँगा। और मैं डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शॉर्ट मूवी जो 28 मिनट की है वो डेफिनेटली देखें,
और इसको शेयर करें, अपने घर वालों को दिखाएं। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।